वेलकम टू आदत पुरोहित यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आदत पुरोहित यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का खुले दिल से स्वागत है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू, तो आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे सीपीयू एंड इट इज अ कंपोनेंट के बारे में, कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीपीयू एंड इट इज अ कंपोनेंट, सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीपीयू क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो को अगेन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। और सीपीयू एक कंप्यूटर मशीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू नहीं रहेगा तो अपन लोग कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। और एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू नहीं रहेगा तो एक कंप्यूटर यूजलेस मशीन है। ओके, जैसे हर इंसान के अंदर दिमाग होता है, जो दिमाग इंसान को बताता है कि उस इंसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, ऐसे ही सेम सीपीयू कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ओके, तो सेम चीज कंप्यूटर के अंदर। और ये जो सीपीयू होता है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये दो इमेज बना के बताई है, कि देखो ये जो मैं अभी येलो कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सीपीयू है। ओके, इस चीज को अपन लोग कहते हैं सीपीयू। और ये सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। ओके, और ये चीज कहलाती है मदरबोर्ड। मैं रेड कलर से आप लोगों को बता के, मतलब ड्रॉ करके बताता हूँ, ये चीज है मदरबोर्ड। इस चीज में रैम रोम फिट होती है। इसके बारे में अपन लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। जो आप लोगों को दिख रहा है ना सफेद कलर का छोटा छोटा सा, ये चीज है सीपीयू। और यही चीज मदरबोर्ड में फिट होती है और यही कंप्यूटर का ब्रेन है। ओके, तो मैं आप लोगों को अगेन बताता हूँ कि एक सीपीयू कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर एक सीपीयू नहीं रहेगा एक कंप्यूटर मशीन में, तो अपन लोग उस मशीन को यूज नहीं कर पाएंगे और वो कंप्यूटर यूजलेस है विदाउट सीपीयू। तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक कंप्यूटर के अंदर। अब अपन लोग बात करेंगे सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में, कि सीपीयू किन तीन चीजों से मिलके बनता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स, तो सीपीयू तीन चीजों से मिलके बनता है। पहला मेमोरी यूनिट, सेकंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड लास्ट नॉट लीस्ट कंट्रोल यूनिट। जब इन तीन चीजों का जब मिलन होता है एक सीपीयू के अंदर, मतलब इन तीन चीजों का जब मिलन होता है तो एक सीपीयू बनता है। ओके, तो मेमोरी यूनिट का कुछ अलग काम रहता है एक सीपीयू के अंदर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का अलग काम रहता है एक सीपीयू के अंदर, और कंट्रोल यूनिट का अलग काम रहता है एक सीपीयू के अंदर। तो एक सीपीयू मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, जैसे ट्रांजिस्टर, मेटल और कुछ चिप को यूज करके बनाया जाता है इसको, सीपीयू को। लेकिन मेन ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या काम करती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करती है, और कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊंगा। एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेमोरी यूनिट क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सीयू क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में मतलब बना के बताऊंगा ये तीन चीजें क्या है और ये तीन चीजें क्या काम करती है सीपीयू के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, विदाउट मतलब सीपीयू कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है। मतलब अगर एक कंप्यूटर मशीन में सीपीयू नहीं रहेगा तो अपन लोग कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। और ये सीपीयू के कंपोनेंट्स है एमयू, एएलयू एंड सीयू। ओके, इन तीन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को अगली अगली वीडियो में बता के, मतलब डिफरेंट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बता के, मतलब बना के बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो बस आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों को अगेन इतना ही बताना था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी हो तो उसके लिए थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और मैं एक चीज मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन मेरा ये मोटिव होता है कि मैं आप लोगों को एक चीज, मतलब जो भी चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ वो चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, इसलिए मैं एक चीज बार बार मतलब बार बार रिपीट कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ अजीब सा लगे, कुछ गलत लगे, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं नई नई वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब का, तो उसके लिए सॉरी।
ओके, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसके लिए थैंक यू।